सबसे पहले मैं आप सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सुनने आए और मुझे भी मौका मिला कि कुछ मैं आपसे अपनी बात कर सकूं। गुजरात का चुनाव पूरा देश देख रहा है और जिस समय मैं गुजरात आया सबसे पहले मैंने फैसला लिया कि प्रचार शुरू करने से पहले द्वारिकाधीश जाऊंगा और वहां पर आशीर्वाद लेकर के तब अपनी कार्रवाई आगे करूंगा। मैं सबसे पहले द्वारिकाधीश गया, दर्शन लिए, आशीर्वाद लिया और ये गुजरात की धरती हम सब इसके ऋणी हैं। जैसे ही गुजरात का नाम आता है तो सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी याद आते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो संदेश सत्य अहिंसा का न केवल देश में लोगों ने माना बल्कि दुनिया में लोगों ने इस बात को माना और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के संदेश ने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। वहीं जब हम गुजरात की बात करें तो सरदार पटेल जी के भी योगदान को हम भूल नहीं सकते। सरदार पटेल जी और लोहपुरुष, जहां तक मेरी समझ कहती है, यहां के गरीब किसान, मजदूर और जितने भी लोग हैं उन्होंने सरदार पटेल जी को अपना सरदार माना, उनका नेतृत्व स्वीकार किया और जिस समय देश को जरूरत थी एकता की और देश को एक करने का काम किया इसलिए उन्हें लोहपुरुष माना गया। ये ऐसी धरती जहां से संदेश जाता है और फिर अब चुनाव में तो बात खुल गई। बीजेपी के लोगों ने बहुत अपनी बात बंद कर रखी थी, बहुत सी चीजें छिपा रखी थी। गुजरात मॉडल से हमें भी डर लगता था कि शायद गुजरात मॉडल ऐसा होगा जब हम देखेंगे तो हमारी आंखें फट जाएंगी, लेकिन अब तो गुजरात मॉडल पूरी तरीके से देश ने देख लिया, पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं क्योंकि गुजरात मॉडल कुछ है ही नहीं। गुजरात मॉडल केवल धोखे वाला मॉडल है। गुजरात मॉडल, हम तो गांव में गए हैं, पहले आ जाता तो शायद मैं उन बातों को नहीं कह पाता, लेकिन मैं घूमा हूं, जगह जगह देखी है मैंने, लोगों से बातचीत की है और फिर हमारी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है गुजरात में। हम तो एक छोटा सा पेड़ लगाने आए हैं, छोटा सा पौधा, और मैं जानता हूं इस पौधे को सही तरीके से सींचेंगे, सही तरीके से इसको हम खाद देंगे समय पर तो एक दिन यही समाजवादी ब्रश भी फल अच्छे देगा। और जहां तक विकास की बात है, मैं अखबार पढ़कर के मेरा मन नहीं माना। जब मैं अखबार पढ़ा, बीजेपी के नेताओं की मैंने उसमें इंटरव्यू पढ़े, गुजरात का चुनाव जात के आधार पर नहीं लड़ रहे हैं, हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जब मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा तो मैं रह नहीं पाया, मैंने कहा तो जरूर गुजरात जाऊंगा और गुजरात मॉडल देख करके आऊंगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जब हम विकास पर लड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश की जब सरकार ने सबसे बेहतर काम किया था और कम से कम मैंने हिम्मत की थी कि अपना चुनाव का जो नारा था वो काम बोलता रखा और कहा कि हमने एक ऐसी सड़क बनाई है कि अगर देश को कभी जरूरत पड़ेगी, अगर कभी चीन से इसको मुकाबले की जरूरत पड़ेगी तो हमारी सड़क ऐसी है कि इसमें लड़ाकू विमान उतर जाएंगे और आपकी देश की रक्षा करने का काम इस सड़क करेगी। देश की सबसे बेहतरीन सड़क बनाई और कभी कभी तो मैंने कहा और प्रेस के सामने कहा, कोई भी अगर इस सड़क पे एक बार चल लेगा तो वो कहेगा कि हाँ ये सड़क समाजवादियों की ऐसी है कि मन करता कि हम साइकिल का चुनाव का बटन दबा दें। हुआ होगा 22 साल में बहुत,
कोई एक सड़क बता दो जहां पर हवाई जहाज उतर पा रहे हो, लाखों विमान उतर पा रहे हो। कम से कम यहां तो बननी चाहिए थी ऐसी सड़क, क्योंकि पाकिस्तान बगल में है। जिस जगह हम गए थे दर्शन के लिए पाकिस्तान की कोई दूरी नहीं है, कम से कम यहां तो कोई सड़क ऐसी बनती जिसमें कभी इमरजेंसी के समय पर लड़ाकू विमान उतर पाते। अभी सुकोई उतर गए, मिराज उतर गए, और सबसे बेहतरीन एयरफोर्स का विमान जो सबसे भारी वाहन है हरकुलस भी उतर गया। शायद सड़क की जांच कर रहे थे। अब बीजेपी के लोग तो ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई हवाई जहाज में कमी रही होगी, इसलिए एक्सप्रेस वे पे उतर गया। एक्सप्रेस वे तो खराब है, वो प्रचार में आगे हैं, लोगों को धोखा देने में आगे हैं। मेट्रो का सफर 2.5 साल में लखनऊ में हमने चला के दिखा दिया। 2.5 साल के अंदर मेट्रो बन गई, नोएडा से ग्रेटर नोएडा काम शुरू कर दिया, गाजियाबाद में आगे कर दिया, बढ़ा दिया। देश का सबसे बड़ा एलिवेटेड 6 लेन जो शहर को जोड़ता है, दिल्ली को जोड़ता है, वो सड़क बनाई समाजवादी सरकार ने। 18 लाख लैपटॉप बांट दिए, 55 लाख गरीब महिलाओं को हमने पेंशन दी। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश को जात और धर्म में बांट दिया। जब हम विकास की बात कर रहे थे तब बीजेपी के लोग जात और धर्म की बात कर रहे थे, और फिर कहां कब्रिस्तान, कहां शमशान। दिवाली पे बिजली हमने 24 घंटे दी, बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम 25 घंटे बिजली देंगे। बताओ 25 घंटे कैसे बिजली होगी दिन में, ये 25 घंटे की बात कर रहे थे, कब्रिस्तान शमशान की बात कर रहे थे। और फिर गोबर पे चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जानवर पे चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में। कहा कि हम सरकार में आ जाएंगे तो स्लॉटर हाउस बंद कर देंगे। हम तो चाहते हैं कि कम से कम एक्सपोर्ट बन के दिखा दें। कभी कभी जो दवाइयां बन जाती हैं कुछ चीजों से, वो बाजार तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, वो दवाइयां वहां पहुंच जाती हैं, हम लोग खा लेते हैं उन दवाइयों को। कभी तकलीफ बीमारी होती है तो उन दवाइयों का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। हम तो कहते हैं बीजेपी के लोगों से, जिस तरह फैसला उन्होंने स्लॉटर हाउस के लिए लिया था, वो फैसला ये भी लें कि उत्तर प्रदेश में कोई दवाई नहीं खाएगा आप, क्योंकि स्लॉटर हाउस से कारोबार दवाइयों का भी जुड़ा हुआ है। इसलिए झूठ प्रचार किया, समाज में खाई पैदा कर दी। जो जाति मिलती थी उसको कह देते थे कि तुम्हारा मुख्यमंत्री बनेगा। कुशवा मिले उनसे मौर्य बोले तुम्हारा मुख्यमंत्री बनने आ रहा है। पाल भगेल बोले तुम्हारा मुख्यमंत्री बनने आ रहा है। पटेल हमारे यहां थे बोले तुम्हारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और देखो सरप्राइज में कैसे हमें मुख्यमंत्री मिले, आपसे मुलाकात हुई होगी। हम तो चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना बढ़ नहीं सकते आगे। उनका आशीर्वाद नहीं हटना चाहिए। प्रचार कर दिया, सब जीत गए, उत्तर प्रदेश जीत गए। सुनने में आ रहा है कि वो जो जीते लोग हैं 16 में से 14 वो यहां प्रचार करने आ रहे हैं। मैं तो बीजेपी के लोगों से कहूंगा, अरे 14 को क्यों बुलाते हो, आपकी संख्या हारने वालों की ज्यादा है, उनको बुलाओ और एक एक बूथ पर बैठा दो, शायद लोग जान जाएंगे कि हाँ ये बीजेपी के लोग हैं जो चुनाव हार करके आए हैं, गुजरात में जिताने का काम करेंगे। प्रचार कर दिया, मैं धन्यवाद दूंगा प्रेस के लोगों को। उसमें भी पहले तो प्रचार हुआ कि समाजवादी हार गई और लोग बहुत पीछे रह गए, लेकिन बाद में हमारे साथियों ने स्वीकार किया कि हाँ बीजेपी की पार्टी सबसे ज्यादा हारी है, जमानतें भी जब्त बड़े पैमाने पे हुई हैं। इसलिए जहां झगड़ा लगाना हो, आरक्षण को लेकर के झगड़ा लगा दिया हमारे प्रदेश में, और प्रदेशों में भी आरक्षण को लेकर के। हमारा मानना है समाजवादियों का कि अब तो आधार भी है, डिजिटल इंडिया के पक्षधर हैं, तो कहीं ना कहीं अब गिनती करना आसान है। संविधान कहता है सबको अधिकार बराबर का मिले, तो हम तो चाहते हैं कि गिनती कर लो सबकी, और आबादी के हिसाब से सबको दे दो, किसी को नाराज मत करो, सबको सम्मान दे दो, सबको अधिकार दे दो, जो जितना आबादी के हिसाब से उसको आरक्षण दे दो। ये झगड़ा लगाना बंद करिए, क्योंकि कभी किसी से लाभ ले लेते हैं भी आप लोग, कभी किसी को धोखा दे देते हैं। इसलिए अब रिवर फ्रंट की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि साबरमती आश्रम है। रिवर फ्रंट का बहुत प्रचार हुआ, इतना प्रचार हुआ कि लोगों को लगा कि देश में सबसे अच्छा रिवर फ्रंट यहीं पर है। हालांकि किस मौसम में कौन सा फूल आएगा,
घास कैसे लगनी चाहिए, वहां पर पैदल चलने वालों को सुविधा, और अगर कोई साइकिल से पूरी सैर करना चाहेगा लखनऊ शहर की तो साइकिल से चढ़ने का भी इंतजाम करेंगे। मुझे खुशी हुई, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं पसंद है बीजेपी के लोगों को कि साइकिल ट्रैक हो, थोड़ा बहुत अहमदाबाद में मुझे साइकिल ट्रैक दिखा है, राजकोट में भी दिख गया। ये बीजेपी के लोगों को साइकिल से प्रेम कैसे हो गया? इन्होंने तो कसम खाई थी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कर देंगे। बताओ कितनी कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हुई है? आपने तो दुनिया के सामने कहा कि सबसे ज्यादा पेड़ लगाए समाजवादियों ने, आप तो पॉल्यूशन खत्म करने जा रहे थे, कहां आपने समाज में पॉल्यूशन फैला दिया जिससे कि पूरे देश का विकास रुक गया। नोटबंदी का सवाल हमारे गरीबों को लगा कि नोटबंदी के बाद तो उनके अकाउंट भर जाएंगे पैसे से, अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अकाउंट खाली हैं और देश में बहुत लोगों की जान गई। लाइन में लगे हुए जो गरीब थे कई लोगों की जान चली गई, लेकिन बीजेपी के लोगों ने कहीं मदद नहीं की होगी एक भी मरने वाले गरीब की। उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी सरकार ने उनकी 2-2 लाख रुपए देकर के उनके परिवारों की मदद करने का काम किया, और उस समय जो सरकारी योजनाएं थी उन योजनाओं से भी उन परिवारों को जोड़ने का काम समाजवादी सरकार ने किया। उसी दौरान आपको पता होगा कि एक परिवार वहां पर लाइन में लग करके अपना पैसा लेने गया था, और उस समय एक बच्चे का जन्म हो गया, बैंक के अंदर जन्म हो गया बच्चे का, और बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने तो बहुत प्रचार किया खजांची का, लोगों को भी समझाया मैंने कि ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। लोगों ने समझा ही नहीं और बीजेपी के पक्ष में तैयार हो गए कि शायद इससे गरीबों को लाभ पहुंचेगा। हम कहते गरीब जो रिक्शा चलाने वाले थे, किसान जो खेती करने वाले थे, मजदूर जिनका काम छूट गया, उनको मिला हो ना मिला लाभ हो, कम से कम खजांची का तो भाग्य बदलता, क्योंकि वो बैंक में मरा था, वो बैंक में पैदा हुआ था। बताओ खजांची का भी परिवार नहीं खुशहाल हुआ? जो जन्म लिया हो बैंक में उसके परिवार को भी कुछ नहीं मिला, जो हमने दिया उसमें से एक किसी के इलाज में उसका 60,000 रुपया ले लिया। बताओ बीजेपी की सरकार है ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में उस बच्चे की मां से 60,000 रुपया रखवा लिया। सोचिए खजांची का भाग्य नहीं बदला जो बैंक में पैदा हुआ, तो किसान और गरीब का भी भाग्य नहीं बदल सकता। कमाल के बीजेपी के लोग हैं, बड़े होशियार हैं। उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मूंगफली का किसान बहुत खुश है, हमने उसको लाभ पहुंचा दिया है। जो हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा था संकल्प पत्र में, वो संकल्प पत्र पूरा कर दिया, 1.5 गुना आय कर दी हमने, उसको पैदावार की 1.5 गुना दे रहे हैं हम लोग उसको। कपास के लिए भी ये कहते हैं, और यहां हमारे मुख्यमंत्री आते हैं और बीजेपी के लोग कहते हैं कि आलू का किसान भी खुशहाल है यूपी में, तो यहां मूंगफली वालों को कहते हैं आलू का किसान खुशहाल है, और यूपी वाला जो आलू का किसान है उसको कहते हैं कि मूंगफली वाला किसान खुश है। किसान जानता ही नहीं है कि आलू वाला भी रो रहा है, मूंगफली वाला भी रो रहा है, लेकिन इस बार गुस्सा है, नाराजगी है, क्योंकि बीजेपी ने तो ये वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बात और भी प्रदेशों में किसानों तक पहुंच गई, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, जो लाभ पहुंचना था किसानों तक नहीं पहुंचा, और जो लाभ पहुंचा नोटबंदी के बाद से वो बड़े बड़े उद्योग और कारखाने वालों को लाभ पहुंचा दिया, लेकिन किसान आज भी दुखी है। मैं आपके सामने, क्योंकि गुजरात का चुनाव का समय खत्म हो गया, पहले चरण का चुनाव हो रहा है, नाराजगी तो बहुत है, गुस्सा बहुत है, यही गुस्सा वोट में बदलेगा, और बदलाव की बात भी यहीं से शुरुआत होगी। हम तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, कोई आए हमारे यहाँ गंगा मैया इतनी अच्छी है, कोई आए उसको अपना मान लेती हैं। सुना है बीजेपी के लोग हम लोग कहते हैं बाहर वाले लोग हैं, देखो हमारे बीजेपी उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा दिल है, कोई आए उसको हम अपना बना लेते हैं। और जो रिश्ता हमारा और गुजरात की धरती से बहुत पुराना है, कभी भगवान कृष्ण आए थे और यहां से लौट के नहीं गए। राजनीतिक बात तो अलग है, लेकिन अब ये रिश्ता हमने दोबारा जोड़ा है और लगातार गुजरात आते रहेंगे।